जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हौसलों के तरकशों में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय मिश्रा है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है सक्सेस यानी सफलता। आप लोगों को पता है सफलता एक ऐसी चीज है ना जो कि कहीं किसी दुकान पे रखी हुई नहीं है कि हम जाकर उसको खरीद लें। उसके लिए हमें ना जाने कितने स्ट्रगल देखने पड़ते हैं, कितने संघर्ष देखने पड़ते हैं। अगर हम कोई भी कार्य बिना संघर्ष के करेंगे तो उस कार्य की सफलता का कोई मजा नहीं आता। समझ में आ रहा? सफलता क्या है? सफलता एक संघर्ष है जो आपको अपनी लाइफ में करना है। बिना संघर्ष से किसी को सफलता नहीं मिलती। आज चाहे कोई भी आप देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, अगर कोई सफल इंसान है ना तो उसके पीछे आप देखो उसने कितना स्ट्रगल किया है अपने कार्य को लेके, उसके कार्य में कितना पैशन था, कितना जुनून था, कितने जुनून के साथ उसने वर्क किया तो वह सफल। आइए मैं एक स्टोरी आप लोग बताता हूँ, आप लोग रिलेट करेंगे कि सफलता क्यों जरूरी है और सफल होने के लिए क्या चीज जरूरी है। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि दो दोस्त थे, एक की उम्र 14 साल था और दूसरे की उम्र जो था वो 8 साल। दो दोस्त क्या हो रहे थे, खेल रहे थे, कहां पे? बिल्कुल सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी नहीं था, एक आदमी भी आसपास नहीं था, बिल्कुल सुनसान जगह। वहां पे दो बच्चे खेल रहे थे, उम्र मैंने पहले बता दिया, एक की उम्र 14 साल था और एक का जो उम्र था वो 8 साल। वहां पे एक कुआ था, दोनों बच्चे खेल रहे थे, अचानक खेलते खेलते जो बड़ा बच्चा था जिसकी उम्र 14 साल था वह उस कुएं में गिर जाता है। जब वह कुएं में गिरता है तो उसको आसपास कोई दिखाई नहीं देता, वह मदद मदद यानी हेल्प के लिए चिल्लाता है, बहुत तेज तेज से चिल्लाता है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे यहां से बाहर निकालो। अब 14 इयर्स यानी 14 साल का जो बच्चा था उसकी आप लोग वेट जान सकते हो वेट कितना था, और जो 8 इयर्स का बच्चा था उसका कितना वेट था। 8 साल के बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे उस बच्चे को बचाए। तो उसने क्या किया कि पास में रखी हुई एक रस्सी जिसमें बाल्टी बंधी हुई थी जिसका लोग कभी पानी निकालने के लिए उपयोग करते थे, और उस बाल्टी को क्या किया कुएं में फेंका ताकि जो बड़ा बच्चा है वो उसको पकड़ के बाहर आ सके। बड़े बच्चे ने क्या किया, बाल्टी को तेज से पकड़ लिया, रस्सी को तेज से पकड़ लिया, और छोटे बच्चे ने जो 8 साल का बच्चा था, सोच सकते हैं उसकी पास उसके पास कितनी क्षमता रही होगी, कितनी कैपेसिटी रही होगी, लेकिन उस बच्चे ने इतना मेहनत किया, बार-बार खींच रहा है, तब तक खींच रहा है जब तक कि कुछ इंच वो ऊपर ना आ जाए। उसने हिम्मत लगाया, काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद उस 8 साल के बच्चे, उस 14 साल के बच्चे को क्या किया, कुएं से बाहर निकाल लिया। जब कुएं से बाहर निकाला तो दोनों बच्चे आपस में गले मिलकर रोने लगे, क्योंकि भाई उस समय के हालात क्या थे, बच्चे को बाहर निकाला गया, उस बच्चे को लगा कि आज उसकी मृत्यु बिल्कुल पॉसिबल है, आज उसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि 8 साल का बच्चा उसको बाहर निकाल दिया है। वो दोनों रोते हुए गांव पहुंचे, गांव में जब पहुंचे तो लोगों को अपना किस्सा जो था जब उन्होंने शेयर किया तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा है, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा भाई कि ऐसा भी हो सकता है कि एक 8 साल का बच्चा एक 14 साल के बच्चे को बाल्टी से रस्सी से बाहर खींच के निकाल सकता है उतने बड़े कुएं से। कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था, कोई बिलीव ही, कोई विश्वास नहीं कि ये बच्चा ये काम कर सकता है। लेकिन उस गांव में एक रहीम चाचा थे जो कि बुजुर्गों में सबसे ज्यादा समझदार, बुजुर्ग लोगों में सबसे ज्यादा समझदार इंसान जिनका नाम था रहीम चाचा। वो बोले नहीं, मुझे इस बच्चे पर बिलीव है, इस 8 साल के बच्चे पर मुझे बिलीव है, मुझे भरोसा है कि इसने उस बच्चे को कुएं से बाहर निकाला।
सभी लोग हैरान कि रहीम चाचा को क्या हो गया है, रहीम चाचा इतने समझदार इंसान, इनको क्या हो गया है कि ये उन बच्चे पर क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, जो कि ये इम्पॉसिबल है कि उतने एज के बच्चे को एक 8 साल का बच्चा खींच के कैसे बाहर निकालेगा। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर आगे क्या हुआ, आगे रहीम चाचा ने कहा नहीं ये बिलीव मुझे कि बच्चा ऐसा कार्य किया होगा। तो लोगों ने पूछा रहीम चाचा अपने दावे के साथ, इतना भरोसे के साथ आप कैसे बोल सकते हो कि 8 साल का बच्चा एक 14 साल के बच्चे को कुएं से एक रस्सी की सहायता से खींचकर बाहर निकाल सकता है, ये आप कैसे बिलीव कर, कैसे विश्वास कर सकते। तो रहीम चाचा ने जो कहा बेटा आप उसको गौर से सुनना। रहीम चाचा ने कहा कि मुझे बिलीव इसलिए है इन बच्चों पर क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था जो इस छोटे से बच्चे को ये बता सके कि बेटा तुम ये कार्य नहीं कर सकते। रहीम चाचा ने क्या कहा कि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था जो उस बच्चे से ये कह सकता, उस छोटे से बच्चे से ये कह सकता कि बेटा तुम ये कार्य नहीं कर सकते। और साथ ही उस छोटे बच्चे को खुद, उस छोटे बच्चे को उन्होंने खुद बोला कि ये बच्चा खुद से नहीं कहा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसको बिलीव था उस समय, उसको भरोसा था कि मैं ये कार्य कर सकता हूं और दूर दूर तक कोई बोलने वाला नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्चा, इस बच्चे को बाहर निकाला। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब तक हम अपने भाग्य का फैसला स्वयं नहीं करते तब तक हमें कोई भी इंसान पीछे नहीं कर सकता। और आप पीछे जाते हो, इसका दो रीजन है, दो कारण है जो आप पीछे चले जाते हो किसी भी कार्य में। आप जब पीछे जाते हो इसका दो रीजन है। पहला रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, खुद का भरोसा, खुद का सेल्फ जो बिलीव होता है ना वो आपके पास नहीं होता है। आप किसी भी कार्य को करने में सेल्फ बिलीव नहीं करते कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक इंसान प्रॉब्लम फेस करता है इसके साथ, वो है जमाना क्या कहेगा। समझना, जमाना क्या कहेगा। अगर जमाना ही कहना है ना तो जमाने को मत सोचो कि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है निगेटिव रिव्यू को देना, क्योंकि वो आपके भाग्य का फैसला स्वयं कर देते हैं कि आप क्या करने। आपने कभी देखा है लोगों का पॉजिटिव रिव्यू, कभी सोचा है? एक माँ होते हैं, एक पिता होते हैं जिनका पॉजिटिव रिव्यू होता है, आपके ऊपर भरोसा होता है। और लोगों का मुझे बताइए, अगर आप एक घंटे कोई आपसे नया इंसान मिल रहा है ना, अगर आप बैठे हो कोई कार्य नहीं करो, उन्होंने आपका फैसला कर दिया कि ये बंदा बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि ये बैठा हुआ है कुछ काम नहीं कर रहा है। बिलीव कब होता है? जब आप सेल्फ बिलीव करते हो, खुद पे भरोसा रखते हो, वो बिलीव होता है। आप खुद पे भरोसा रखो कि ये काम मैं कर सकता हूं। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। आप मेरी बातों समझिएगा, यानी किसी भी कार्य को हम कब कर सकते हैं, जब हमें खुद पर भरोसा हो। और जब लोगों की निगेटिव रिव्यू को अगर आप लेना बंद करोगे ना, लोगों की सोच को लेना बंद करोगे ना, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस काम को बंद करोगे तो आप सक्सेस होंगे। और खुद पे भरोसा रखो कि मैं ये काम कर सकता। अगर कोई तालाब, अगर कोई बीच में नाला पड़ गया कभी ना, रास्ते में आप जा रहे हो, अगर कीचड़ भरा हुआ कोई रास्ता पड़ गया, आपको उसको क्रॉस करना है। जब आपको बिलीव नहीं है कि मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो आप जिंदगी में क्रॉस। सबसे सफलता के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? खुद में बिलीव, खुद में भरोसा हो, ठीक है। लोगों के सजेशन से दूर रहे। पॉजिटिव सजेशन आप ले सकते हो, सकारात्मक सजेशन ले सकते हो। कोई सुझाव अगर आपको दे रहा है और अच्छा सुझाव दे रहा है तो विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सोचना होगा कि क्या सही है क्या गलत। समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सपने और लक्ष्य में बेटा ना, सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर होता है। और वो अंतर क्या है कि सपना ना बिना मेहनत के, जब बिना मेहनत के हम लोग जाते हैं बिस्तर पर गिरते हैं, जब नींद आता है तब हम सपने देखते हैं। और वो सपने कब होता है? जब कोई मेहनत होना। और लक्ष्य कब हम प्राप्त करते हैं? जब हम
मेहनत करते हैं और नींद को त्याग देते हैं तब हमें लक्ष्य मिलता है। समझ में आ रहा? तो सपने और लक्ष्य में क्या अंतर? सपना बिना मेहनत के जब सोते हैं तब हमें दिखाई देता है, और लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं, मेहनत को आगे रखते हैं और नींद को पीछे, नींद को कम कर लेते हैं, तो हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता अगर आपको पाना है तो उसके लिए लाइफ में स्ट्रगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रगल नहीं है तो फिर सफलता नहीं। समझ में आ गया? चलिए, सफलता के लिए क्या चीज आपको करना है, वो पांच चीजें क्या है जो आपको सफल बना सकती है। पहला, अपने कार्य के प्रति समर्पण रखिए, यानी जो आपका वर्क है उसके प्रति लगन होनी चाहिए कि हमें ये हर हाल में करना है। अगर आप अपने वर्क के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पण है, समर्पित हैं, तो लक्ष्य यानी सफलता आपको 100% मिल रहा है। चाहे वो कोई भी वर्क ले लो, आप अपनी पढ़ाई से संबंधित चीजें ले लो, अगर आप उसके प्रति समर्पित हैं कि मुझे ये कार्य करना है, इतना अपना मुझे ये गोल है, मुझे इतना नंबर करना है, तो वो आप कर लेंगे। अगर आप अपने कार्य के प्रति वफादार हैं, अगर समर्पित, तो सबसे पहला सफलता के लिए सबसे पहला क्या है, कार्य के प्रति समर्पण होना। सेकेंड चीज कि कोई भी चीज दबाव में ना करें। अगर जिस कार्य में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर जो कार्य आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप का दबाव होता है कि नहीं आपको पढ़ना ही है, आपको पढ़ना ही है, तब वो कार्य दबाव हो गया, आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। मेरा क्या कहना है कि दबाव में कोई कार्य नहीं करना है, आप उस कार्य को करो जिसमें आपका बिल्कुल मन हो, जिसमें पैशन हो, जो आप पैशन के साथ करना चाहो, जिसमें आपको अगर करना हो, अगर मान लीजिए दबाव में करेंगे तो आप उस कार्य को मात्र 50% कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका पैशन है उस कार्य में तो आप उस कार्य को 150% ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है कि दूसरों पर निर्भर होना। आप दूसरों पर क्यों निर्भर है? सफलता किसको प्राप्त करनी है, लक्ष्य किसको प्राप्त करना है, गोल किसका है, आपका है, कार्य आप करेंगे, आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे किसी भी कार्य के लिए। जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो वहां सफलता के लिए कोई रास्ता ही नहीं। सफलता का रास्ता क्या है? खुद के ऊपर निर्भर होना। मैंने अभी बताया था कि जो खुद पर बिलीव करते हैं वही सफल इंसान होते हैं। नंबर फोर क्या है? लक्ष्य आपका, गोल आपका बड़ा होना चाहिए। अगर आप छोटा लक्ष्य कोई सोचोगे ना, तो आपकी सोच बहुत छोटी होगी। आपका गोल टॉप होना चाहिए, टॉप लेवल का होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब ये रहेगा आपका गोल ना, तो आपकी सोच भी ये होगी। लेकिन अगर आप कोई छोटी सोच लेके चलोगे तो आपके विचार भी छोटे ही होंगे। नंबर फोर क्या था? बड़ा लक्ष्य। आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य ऐसा हो कि इतना बड़ा हो कि आपके विचार, आपकी सोच, आपके थॉट्स हमेशा बड़ा ही आए, तो नंबर फोर क्या है? बड़ा लक्ष्य। और नंबर फाइव क्या है? असफलता के बारे में ना सोचना, बल्कि असफलता से सफलता के बारे में सोचना। कहने का मतलब यह है कि असफलता जिसमें हम सफल नहीं होते हैं, तो हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यार भाई मैं असफल नहीं हुआ, मैं ऐसा हो गया, मैं पास नहीं हो पाया, यहां मेरा वर्क नहीं हुआ। क्यों असफलताओं से सोच रहे हो? असफलता से मत डरो, असफलता से आपको हटा दो, असफलता से आपको हटाओ। आ जहां आता है वहां पे कमी ही होती है। समझ में आ रहा ना? भाव अभाव, गिनती अगिनती, यानी जहां पे आ आता है ना, वहां पे कमी हो जाती है। हमें असफलता से आ को हटाना है। जब हम असफलता से आ को हटा देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप आ को कैसे हटा सकते हो? अगर आप किसी भी चीज में असफल हुए ना, तो उस असफलता के बारे में सोचो कि मेरा कौन सा वर्क था जो मुझे उसने असफल होने पर मजबूर कर दिया, मैंने ऐसा क्या कार्य किया था। तो असफलता के बारे में सोचिए, असफलता से पॉजिटिव चीजों को बाहर लेके आइए, निगेटिव चीजों को साइड करिए कि आपकी कुछ गलतियां रही होंगी जो आप असफल हुए होंगे, लेकिन उसमें से पॉजिटिव को क्या लेके आओगे कि मैं असफल क्यों हुआ, रीजन क्या था, उस रीजन को आप तुरंत सही कर लो। क्योंकि सफल इंसान के लिए लाइफ में दो बार गलती करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। अगर आपको सफल बनना है, सक्सेस बनना है, तो आपको लाइफ में सिर्फ एक गलती करनी है और उस गलती से तुरंत सीख लेनी है कि मैंने गलती क्या किया था। समझ में आ रहा ना? क्योंकि सक्सेस होने के लिए बार बार मौका ये जरूरी नहीं है। मौका सिर्फ एक बार मिलता है, बस आपको उसको कैच करना है, आपको उसको पकड़ना है, उस मौके को पकड़ के तलाशना है कि ये मौका मुझे मिल गया, इसे मुझे छोड़ना नहीं। अगर आप असफल हो गए तो कोई बात नहीं, उस असफलताओं से सीख ले लीजिए, सीख लीजिए कि मुझे कैसे असफल मैं हुआ, मुझे इसमें सफल होना है। मैंने पांच चीजें बताई कि
जो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपके पास समय नहीं है सफलता के लिए, अगर आपकी थिंकिंग ये है ना कि भाई मेरे पास समय नहीं बच पा रहा है, मैं कैसे करूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं ना कि सफल होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंसान का खुद का बिलीव नहीं होना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज जो भी बड़े इंसान लोग बने हैं ना, वो खुद पे बिलीव किए थे, उन्होंने खुद ही शुरू किया, कोई उनके पीछे नहीं आया था बेटा चलो मैं तुम्हारा सहारा कर रहा हूं, नहीं, उनको सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद चलना सीख गए। आज जितने भी सबसे सक्सेसफुल इंसान है ना, उनको सहारे की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि उनको खुद पर बिलीव था कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, और जब उन्होंने कार्य करके दिखाया तो उनके पीछे पूरी दुनिया खुली। आज सब उनका एग्जांपल देते हैं, सब उनका उदाहरण देते हैं। सफल होने के लिए लोगों की जरूरत नहीं है आपको, या आपको लोग पुश करेंगे बेटा चलो मैं तुमको पुश कर रहा हूं, नहीं, सफल होने के लिए जरूरत क्या है, सफल होने के लिए आपको खुद का बिलीव चाहिए, खुद आप पुश करो अपने आप को, चलो आगे बढ़ो अपने गोल को अचीव करो, क्या करना है लाइफ में। जब आप थिंकिंग करेंगे, आप खुद से चलेंगे तो पीछे आपकी पूरी कायनात लगेगी। लेकिन अगर आप खुद से हिम्मत हार के खुद से डिसीजन लोगे कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मेरी गारंटी है कि आप 100% उस काम को नहीं कर सकते। तो सफल होने के लिए चाहिए खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का बिलीव आपके पास हो। अब आपको मैं एक बात बता दूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सफल होने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत सारा वर्क कर रहा हूं, मुझे ये नहीं कर, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको बता दूं कि सफल इंसान के पास भी उतना समय होता है जितना समय आपके पास है। उसको कहीं अलग से कोई समय नहीं देता है। अगर उसके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो आपके पास भी एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अगर वो जितनी लाइफ जी रहा है उतनी लाइफ आप भी जी रहे हो, तो बहाने बनाना एक्सक्यूज करना छोड़ो। अगर सफल होना है ना तो खुद पे कॉन्फिडेंस और खुद को पुश करो, अभी से आज से ये प्रण ले लो कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने आप को उसी रास्ते पे पुश करके ले चलो, बढ़ाओ अपने आप को। एक्सक्यूज करना चाहोगे तो एक्सक्यूज लाइफ में इतनी होती है ना कि अगर हम एक्सक्यूज करना चालू कर दें तो पूरी लाइफ हमारी सिर्फ एक्सक्यूज पे ही निर्भर हो जाए, बीत जाएगी पूरी लाइफ। एक्सक्यूज करना बंद करिए अगर आपको सफल होना है, अगर आप चाहते हैं लाइफ में सफल होना, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई गोल है, अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्कूल का टॉपर बन के निकलना है, अगर आप चाहते हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको यूपी लेवल पे टॉप करना है, अगर आप चाहते हो कि इंडिया लेवल पे टॉप करना है, अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम करना है, मुझे सब लोग जाने, तो बेटा अभी से अपने आप को पुश करना स्टार्ट करो, एक्सक्यूज नहीं, खुद पे बिलीव करो और आगे बढ़ो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक्स को लेके। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद आया हो, अगर सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को भाई लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाइल्ड प्रो को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और साथ साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि अगर मेरे वीडियो से कोई एक दो पर्सन भी अपने आप को मोटिव पाया और एक दो पर्सन भी अपने लाइफ में बढ़ पाया तो मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, तब तक के लिए बाय बाय।